मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, वही छतरपुर जहां सैकड़ों वर्ष पुराने खजुराहो के मंदिर और मूर्तियां हैं। इस खजुराहो की ओर दिल्ली से जाती ट्रेन अक्सर छतरपुर के पास रुक जाया करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि छतरपुर के पास रुकती है, यानी रेलवे स्टेशन पर नहीं। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन खजुराहो की तरफ जाने वाली ट्रेनों को बीच में ही चेन खींचकर रोक दिया जाता है, जिनमें से उतरती है एक बहुत भारी भीड़। इस भीड़ का इंतजार बाहर खड़े टेम्पो, तांगे और जीप वाले कर रहे होते हैं, जो इस भीड़ को भरकर 35 किलोमीटर दूर एक खास जगह ले जाया करते हैं, जिसे लोग गड़ा गांव के नाम से पुकारते हैं। इस गांव में मौजूद है बाबा बागेश्वर धाम, जहां 26 साल के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठते हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो बन चुका है बागेश्वर सरकार, जिसके दरबार में असली सरकारें, असली मुख्यमंत्री, असली गृह मंत्री तक पानी भरने के लिए आते हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो आज जहां खड़ा होता है, वहां जलसे शुरू हो जाते हैं। लोग अपना भविष्य लिखवाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने की पूरी कहानी, क्यों मुख्यमंत्री से लेकर एक गृह मंत्री तक सब एक 26 साल के लड़के के आगे नतमस्तक हैं, कैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को ढोंग, ढकोसला और जादू टोने के नाम पर अपने पाखंड के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी मध्य प्रदेश के इसी गड़ा गांव से शुरू होती है, जहां एक पहाड़ी पर 300-400 साल पुरानी शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी। पास में ही गांव के लोग अंतिम संस्कार करते थे। लोकल लोग कहते हैं कि एक वक्त पर इसे मरघट पहाड़ी ही बुलाते थे, क्योंकि ये बुंदेलखंड का एक पिछड़ा इलाका है और बाकी देश के हिस्सों की तरह ही यहाँ भी कुछ लोग तंत्र सिद्धि के लिए आते रहते हैं, जिसे सरल भाषा में कहें तो जादू टोना करने के लिए आते थे। जब लोग परेशान होते हैं या उनके यहाँ कोई रोगी लंबे समय तक ठीक नहीं होता, तब वो मायूस होकर इस तरफ मुड़ते हैं और स्वाभाविक रूप से ये काम शमशान के करीब, यानी मरघट पहाड़ी के करीब लंबे समय से होता आ रहा है। दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी यानी सेतु लाल गर्ग ने शंकर जी की मूर्ति के पास ही एक हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी, जो साल 1986 में एक छोटे मंदिर के रूप में तब्दील कर दी गई। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, लोग उन्हें दादा गुरु के नाम से बुलाते थे। मंदिर की स्थापना हो जाने के बाद इस पहाड़ी पर जादू टोना और सिद्धि जैसे काम और ज्यादा फलने फूलने लग गए। दादा गुरु को इस तरह के पूजा पाठ करते हुए देख धीरेन्द्र पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही धीरेन्द्र इसी मंदिर में आकर बैठने लगे। इन्हीं पूजा पाठ और जादू टोना के बीच पला बड़ा धीरेन्द्र धीरे धीरे अपने नाम के साथ शास्त्री जोड़ने लगा। उसका नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गया, यानी शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान। भले ही शास्त्रों की जानकारी ना हो, लेकिन अब धीरेन्द्र स्वघोषित तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बन चुके हैं। 1996 में धीरेन्द्र का जन्म गड़ा गांव के रामकृपाल गर्ग और सरोज गर्ग के घर हुआ। भाई बहनों में धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। इनकी बहन का नाम रीता गर्ग और सालीग्राम गर्ग इनके भाई का नाम है। वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग के धीरेन्द्र शास्त्री बनने की कहानी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन उसके गांव में रहने वाले उनकी हम उम्र के कुछ लोग बताते हैं कि अपने दादाजी की तरह वो भी पंडिताई किया करते थे। इस पंडिताई के गुण उसने अपने दादाजी से ही सीखे थे। अपने दादाजी को लेकर ही धीरेन्द्र शास्त्री एक वीडियो में कहते नजर आते हैं कि हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए, हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। तब हम जानते थे नहीं थे कि अज्ञातवास क्या होता है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी ऐसा किया था, तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे, लोगों का साथ मिलता रहा। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट पर उनकी संपत्ति को लेकर लिखा है कि उनके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा आदि प्राप्त होते हैं वो मंदिर के काम में आते हैं, धाम की सेवा में उपयोग होते हैं। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वो कैंसर अस्पताल का निर्माण करना चाहते हैं। धाम में आया दान मंदिर विस्तार और जन कल्याण के जैसे कार्यों के लिए, जैसे कि कन्याओं का विवाह करना, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट में लिखी बातों से इतर देखें तो बाबा महंगी गाड़ियों के काफिले तो छोड़िए, कई बार वे प्राइवेट जेट से भी चलते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री कहीं निकलते हैं तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला साथ निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से वो इतना प्रसिद्ध हुआ? इसका जवाब है, ये सब कुछ संभव हुआ दरबार से और दरबार में आने वाले भक्तों के चढ़ावे से। इसकी हकीकत एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देने वाले चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक रहे आरडी प्रजापति बताते हैं। आरडी प्रजापति बताते हैं कि इस जगह पर शंकर जी का मंदिर था,
बगल में हनुमान जी की मूर्ति थी। धीरेंद्र के बाबा यहाँ पर पूजा किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वार कुछ नहीं था। पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, गांव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ साल पहले धीरेंद्र शास्त्री छतरपुर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें स्थानीय मीडिया को बुलाया, जहाँ प्रेस के सामने उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री ने पत्रकारों से कहा कि हमारा एक सिद्ध स्थान है गढ़ा, यहाँ आकर आप लोग दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। पत्रकारों ने पूछा कि चमत्कार क्या है, तब जवाब आया कि गढ़ा स्थित पहाड़ी पर शंकर जी के मंदिर में यदि बल्ब जलाया जाए तो वो फूट जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए की रोशनी की जाती है, इसलिए इस मंदिर में लोगों की आस्था भी है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारिक दावों के बावजूद उस वक्त मीडिया ने धीरेंद्र शास्त्री में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ज़्यादा मीडिया कवरेज उस समय उन्हें नहीं मिली क्योंकि बुंदेलखंड में ये नया नहीं था, यहाँ बाबाओं और उनके चमत्कारों की कहानियाँ नई नहीं थी। तो धीरेंद्र शास्त्री के कथित चमत्कार की उस वक्त छिटपुट रिपोर्टिंग ही हो पाई, इस तरह की नहीं हुई जिस तरह की आज होती है। लेकिन समय के साथ धीरेंद्र शास्त्री से ऐसे लोग जुड़ते हैं जो उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में ले आते हैं। यहीं से धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया हाथ लगने के बाद धीरेंद्र शास्त्री को मीडिया की जरूरत नहीं रह गई। धीरेंद्र के वीडियोज को यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाया गया। सोशल मीडिया ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। आज की तारीख में धीरेंद्र के ज़्यादातर वीडियोज़ पर लाखों व्यूज आते हैं। ट्रेन से लेकर बसों में तमाम लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो धीरेंद्र शास्त्री के कथित चमत्कारों को देख रहे होते हैं। इसी बीच एक धार्मिक चैनल यानी संस्कार ने पिछले 3-4 साल पहले धीरेंद्र शास्त्री के साथ मिलकर बड़ी बड़ी भागवत कथाएँ करना शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया के कुछ लोग उन्हें नियमित रूप से अब कवर करने लगे। सोशल मीडिया तो था ही, इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री के नाम के साथ अब कथावाचक शब्द भी लगने लगा। अब तो समाचार चैनलों पर भी धीरेंद्र शास्त्री के दरबार का सीधा लाइव प्रसारण किया जाने लगा है, जैसे प्रधानमंत्री की रैली का लाइव प्रसारण किया जा रहा हो। सोशल मीडिया के बाद धार्मिक चैनलों और बाद में समाचार चैनलों और अब तो राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिलने के बाद धीरेंद्र शास्त्री धर्म के इस व्यापार में सबसे ऊपर छा गए। पूरा स्कोप अब धीरेंद्र शास्त्री में ही मड़ा हुआ है। आज गढ़ा गांव की पहाड़ी पर शिव और हनुमान की मूर्तियां हैं, दर्शन के लिए सारी व्यवस्था है, और अगर धीरेंद्र शास्त्री से मिलना है तो हनुमान यानी कि बालाजी के यहाँ ये नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। इसे पहाड़ी से नीचे एक पंचायत भवन था जिसका जिक्र पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने भी किया था, जो अब अच्छे खासे निर्माण के बाद बाबा बागेश्वर धाम बन चुका है। धीरेंद्र शास्त्री की दुकान जम जाने के बाद अब बागेश्वर धाम के आसपास की जमीनों की कीमतें भी 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई हैं। लेकिन इस बीच धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप है कि यहां जमीन सिर्फ खरीदी ही नहीं जा रही है बल्कि कब्जाई भी जा रही है। बाबा बागेश्वर धाम पर लगे इस इल्जाम की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर अखबार के रिपोर्टर संतोष सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें संतोष सिंह लिखते हैं कि आज छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गढ़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों की भीड़ होती है जो मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। इसके चलते दुकानों का एक महीने का किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। संतोष लिखते हैं कि अब गढ़ा में निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल भी शुरू हो चुका है। सीधा आरोप बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादारों पर है। मंदिर से सटी जमीन छतरपुर जिले में राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार तालाब को पाट कर अब दुकान बनवा रहे हैं। निर्माण कार्य जोरों से चालू है। तहसीलदार ने निर्माण को लेकर एक नोटिस भी जारी किया, लेकिन निर्माण अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, अवैध टपरों का भी निर्माण करके लोगों को किराए पर देकर अवैध वसूली भी की जा रही है। संतोष की एक रिपोर्ट पंचायत भवन पर हुए एक अवैध कब्जे का भी जिक्र करती है। अपनी इस रिपोर्ट में संतोष बताते हैं कि बागेश्वर धाम के पास सरकारी जमीन पर 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना था, जिसे पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया था, लेकिन अब इस पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कब्जा है। सामुदायिक भवन के ऊपर खुद के द्वारा निर्माण कर उसे 2 मंजिल और बढ़ा लिया गया है। इसी भवन में बैठकर वे पीसी पर आए लोगों से मिलते हैं, यहीं पर उनका दरबार भी लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पंचायत भवन पर कब्जे को लेकर गांव के लोगों ने कभी कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। इसके पीछे ये भी माना जाता है कि बागेश्वर सरकार के यानी कि बागेश्वर महाराज के प्रभाव के चलते कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत तक नहीं करता। पहले गाँव में किसी की शादी के समय इसी पंचायत भवन में बारात रुका करती थी, लेकिन इस पंचायत भवन पर अब बाबा का कब्जा है। लोग अपनी जमीन को बेचने के लिए दबाव की बात भी स्वीकार करते हैं, मगर खुलकर बोलने से डरते हैं। वो कहते हैं कि नेता, मंत्री, कलेक्टर, SP से लेकर थानेदार तक जब धीरेंद्र शास्त्री के चरणों में मत्था टेकते हैं तो हमारी कौन सुनेगा। और ये सही बात भी है। जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर
सत्ताधारी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने जमीन पर बैठते हैं। सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ तक धीरेन्द्र शास्त्री के सामने सर झुकाकर जाते हैं। वैसे में ग्रामीणों में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रभाव और दबदबे की बात को गलत नहीं माना जा सकता। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का ही दबदबा नहीं है बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम का फायदा उनके छोटे भाई सालीग्राम ने भी उठाने में कसर नहीं छोड़ी। गढ़ागांव में अहिरवार समाज के एक परिवार में बेटी की शादी थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया। शादी 11 फरवरी को थी। इस बात का पता चलने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई सालीग्राम रात करीब 12 बजे अपने कुछ साथियों के साथ शादी समारोह में पहुंचता है। वहां उसने उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ शुरू करना शुरू कर दिया और लोगों को धमकाया। डरे सहमे परिवार के लोगों ने शादी बीच में ही रोक दी। बारात लौट गई और रिश्तेदार भी चले गए। हालांकि काफी समझाइश के बाद शादी उसी रात हो गई। सालीग्राम की इस हरकत का एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसके बाद भारी जन आक्रोश के चलते पुलिस ने शिकायत दर्ज की। इस दौरान दूल्हे आकाश अहिरवार ने आरोप लगाया था कि 11 फरवरी की रात जब बाराती खाना खा रहे थे डीजे पर राई बज रही थी तभी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालीग्राम ने आकर जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां देना शुरू कर दिया। शादी में व्यवधान डाला और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। उसने पिस्टल से 2-3 बार फायरिंग भी की। दूल्हे आकाश ने बताया कि बागेश्वर धाम में 18 तारीख को सामूहिक विवाह होना था। ये लोग चाह रहे थे कि मेरी भी शादी वहीं पर ही हो जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने घर पर खबर भी भिजवाई थी मगर हमने सामूहिक विवाह में शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर सालीग्राम भड़क गए। खैर इस दबंगई से दूर चलकर पहले बात कर लेते हैं कि लोगों को ठीक कर देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दावे में कितना दम है, आखिर कितनी सच्चाई है। कहने का मतलब यह है कि महाराज की शाखा में यूं तो बहुत से कामों का स्कोप है लेकिन उन्होंने अब अपने चमत्कारों की आड़ में डॉक्टरी का काम भी शुरू कर दिया है। इनका अंदाजा भी थोड़ा सा जुदा है। डॉक्टरों जैसा नहीं है, चिकित्सकों जैसा नहीं है, वैद्य जैसा भी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेतों का इलाज करने का भी दावा करते हैं। वो मंच से बुदबुदाते हैं, फूंक मारते हैं, भीड़ से चिल्लाने की आवाज़ आती है, भीड़ से उठते आदमी औरतें चीखते हुए नजर आते हैं। धीरेन्द्र कहते हैं कि उनको और चिमटे मारे जाएं, जंजीर से जकड़ा जाए इन्हें, फिर अजीब सी बातें बोलकर ताली बजाते हैं और अपने चुटीला अंदाज दिखाते हैं। ये कॉपी और कलम लिए रहते हैं। आप जैसे ही इनके सामने पहुंचेंगे ये आपकी बीमारी तुरंत डायग्नोज कर लेते हैं। आपकी पीढ़ियों तक के नाम समेत आपकी बीमारी का नाम, उसकी पूरी रिपोर्ट कॉपी पर उतार देते हैं और फिर शुरू होता है इलाज, दवाइयों से भी नहीं भभूत और तथाकथित चमत्कार से। लेकिन ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री के इन कथित चमत्कारिक शक्तियों को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। सबसे बड़ी चुनौती दी नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि वो कुछ परीक्षाएं लेंगे और अगर धीरेन्द्र उन्हें पास कर लेते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। श्याम मानव ने कहा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 10 लोगों को खड़ा करेंगे जिनके नाम, पिता का नाम, फोन नंबर, उम्र की पहचान धीरेन्द्र शास्त्री को करनी होगी। इसके अलावा उन्हें दूसरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं की पहचान भी करने की चुनौती दी। श्याम मानव ने कहा कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री 2 बार ऐसा करने में सफल होते हैं, यदि वो 90% प्रश्नों के जवाब भी अगर सही देते हैं तो अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के प्रमुख के रूप में उनके चरणों में सिर रखकर माफ़ी मांगूंगा और समिति की ओर से 30 लाख का इनाम दूंगा। श्याम मानव ने कहा कि अगर महाराज के पास दैवीय शक्ति है तो वे इसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं करते। अगर वो दिव्य शक्ति का उपयोग देश के लिए करेंगे तो देश में कहीं भी बम नहीं गिरेगा क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि बम कहाँ तैयार हो रहे हैं। इससे देश में कहीं भी आतंकवाद की कोई घटना नहीं घटेगी। श्याम मानव ने आगे ये भी कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात साबित कर देते हैं तो फिर अगर वे पुरस्कार स्वीकार भी नहीं करते हैं तो भी वे अपनी समिति का काम बंद कर देंगे जो पिछले 40 सालों से धर्म के नाम पर लूट रहे लोगों का सच सामने लाने का काम कर रही है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये चुनौती स्वीकार नहीं की लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने के बाद से श्याम मानव को फोन पर धमकियां मिलना जरूर शुरू हो गया जिसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। यहाँ हम जिस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की बात कर रहे हैं उसका गठन 1989 में हुआ। इस समिति की स्थापना नरेंद्र दाभोलकर ने की थी। साल 2013 में दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी। समिति के मुताबिक वो लोगों को गुमराह करने वाले अंधविश्वासों के खिलाफ काम करती है। ये समिति मुख्य रूप से महाराष्ट्र में एक्टिव है लेकिन सवाल यह है कि क्या जादू टोना और चमत्कारों के चक्कर में धीरेन्द्र शास्त्री उन गंभीर मरीजों की जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं जिन्हें तत्काल डॉक्टरों और अस्पतालों और दवाइयों की ज़रूरत है। न्यूज क्लिक मीडिया संस्थान की एक ऐसी ही रिपोर्ट है जिसका यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है। जैसे बागेश्वर धाम इलाज के लिए आई एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची के माता पिता मिर्गी का इलाज कराने के लिए उसे
धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार लाए थे। आरोप लगा कि इस बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की कहानी शुरू हुई 1.5 साल पहले, जब ये परिवार धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बच्ची के ठीक होने की आस लिए आता रहा। इस कहानी का अंत हो गया इसी साल 12 फरवरी के दिन। इसी दिन बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और भूत और चमत्कार के चक्कर में उसकी जान चली गई। बच्ची के परिवार वालों ने बाद में बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उसके माथे पर भूत लगा दी थी और कहा कि जाओ बच्ची शांत हो जाएगी। न्यूज क्लिक की एक और रिपोर्ट दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक महिला भी कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार से भ्रमित होकर अपनी जान गंवा चुकी है। महिला किडनी की बीमारी से जूझ रही थी और अपने पति के साथ अर्जी लगाने धीरेन्द्र शास्त्री के धाम पहुंची थी। वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास अर्जी लगाने पहुंची पाती कि लाइन में लगे ही उसकी मौत हो गई। मृतक महिला को गले लगाकर रोते हुए उसके पति की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन किसको परवाह है। ऐसी ही ना जाने कितनी मौतें अंधविश्वास के कारण हो जाती हैं जो खबरों में नहीं आ पाती। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में लोगों के बेहोश होने की कहानियाँ, गंभीर बीमार होने की खबरें आती ही रहती हैं। इन बेहद गंभीर घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, सब बालाजी ही कर रहे हैं, सब वही करवा रहे हैं हमसे। हालांकि अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस काम के बारे में या चमत्कार के बारे में या किसी जादूगर से या किसी विज्ञान या मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखेंगे तो जवाब कुछ अलग मिलेगा। दरअसल ये एक कला होती है जिसे हम मेंटलिज्म यानी माइंड रीडिंग यानी कि दिमाग को पढ़ना भी कहते हैं। इस बात का खुलासा कुछ दिनों पहले कई टीवी चैनल्स पर आने वाली इसी कला की एक और कलाकार यानी कि यूट्यूबर सुहानी शाह ने भी किया था, जो मुंबई में रहती हैं। सुहानी शाह बताती हैं कि जादू के अंदर कई जॉनर होते हैं, मेंटलिज्म भी उन्हीं में से एक है। 32 साल की हूँ, 7 साल की उम्र से जादू की ट्रिक्स कर रही हूँ और बीते 10 सालों से मेंटलिज्म कर रही हूँ। मेंटलिज्म में कई तकनीकें होती हैं, कई बार आंखों की मूवमेंट, हाव भाव और बोलने के तरीकों से सामने वाले की बात को जाना जा सकता है। ये पूरी कला लोगों के दिमाग के आसपास होती है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सुहानी बताती हैं कि सनातन धर्म कहता है कि सच बोलना चाहिए, तो अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ये गलत है। हनुमान जी हम सबके भगवान हैं और हम सब पर उनकी कृपा है। अगर धीरेन्द्र किसी का दिमाग पढ़ पा रहे हैं तो ये एक ट्रिक है और उन्हें इसे ट्रिक ही बोलना चाहिए, ना कि भगवान की कृपा या कोई चमत्कार। धीरेन्द्र जो करते हैं आप मेरे वीडियोज यानी कि सुहानी की वीडियोज में देखेंगे तो उससे कहीं आगे की चीज़ें करती हैं। हम जिसे कला बोलते हैं उसे धीरेन्द्र चमत्कार बोलते हैं, ऐसा सुहानी शाह ने कहा। कुछ दिनों पहले जब सुहानी शाह न्यूज चैनल्स पर आई थी तब उन्होंने ये ट्रिक करके भी दिखाई थी। यानी ये साफ तौर पर जाहिर है कि ये ट्रिक को एक चमत्कार बताकर धीरेन्द्र शास्त्री अपने अंधविश्वास का साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए हैं। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को ट्रिक बोलना भी थोड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि इनके दरबार में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो पहले से तय होते हैं। लेकिन बात अब और आगे जा चुकी है। अब बात जादू टोने और चमत्कारों तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीति पर चली गई है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी पार्टी भाजपा देख रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन राजनीतिक दलों को देश में विज्ञान, तर्क और शिक्षा का प्रसार करना था, वे अंधविश्वास और पाखंड के आगे सर झुकाए अपना राजनीतिक हित देख रहे हैं। इनमें सभी पार्टी के नेता शामिल हैं, लेकिन भाजपा थोड़ा एक कदम आगे और चली गई। इसका कारण यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री अब जादू टोना और चमत्कारों के साथ साथ आम जनता को हिंदू राष्ट्र का सपना भी बेच रहे हैं, जो भाजपा की राजनीति के करीब है। यही कारण है कि भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक धीरेन्द्र शास्त्री की हर सभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। संघ और भाजपा दोनों किसी तरह से भी ऐसे किसी शख्स को नहीं छोड़ना चाहते जो देश की बहुसंख्यक आबादी पर अपना कंट्रोल रखता हो, भले ही वो पाखंड और अंधविश्वास करके समाज को एक कदम पीछे क्यों ना ले जाए। आज सत्ता के लालच में धीरेन्द्र शास्त्री को बाकायदा आगे के लिए तैयार किया जा रहा है। वो चाहे बिहार हो, जहां भाजपा सांसद मनोज तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने हुए दिखाई दिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे जो साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भाजपा को बढ़त लेते देख अब कांग्रेस नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी मारते हुए नजर आ रहे हैं। एक बारी सही, लेकिन कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ भी एक बार धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जा चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री को देख आप उसे किसी तपस्वी साधु संन्यासी होने का भ्रम न पाले। धीरेन्द्र शास्त्री की सभाएं घोर राजनीतिक और आर्थिक हैं। आप उनके कुछ बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री शाहरुख खान की फिल्म पठान मूवी के बायकॉट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं से कहते हैं कि तुम्हें सौगंध है, पूरे भारत के लोगों को तुम्हें शपथ है, जो सनातन का विरोध करे चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, देखो तुम लोगों ने एक अभिनेता की फिल्म बायकॉट की थी तो सारे कलावा बांधने लगे, तिलक लगाने लगे, मंदिर जाने लगे, वो भी जिनके नाम के पीछे खान लिखा है। आज शपथ लो,
दोनों हाथ उठाकर ऐसे लोगों की फिल्म नहीं देखूंगी। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि चादर और फादर वालों से दूर रहो। दरअसल उनका इशारा मुस्लिम और क्रिश्चियन गुरुओं की तरफ था। धीरेंद्र शास्त्री ने कथा मंच से बुलडोजर को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि वो खुद भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं, पैसा नहीं है वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे। गांव के काज पर, सनातनियों और महात्माओं पर, संतों पर, भारतीय हिंदुओं पर जो पत्थर चलाएगा हम उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा, हिंदुओं जागो, जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उसके घर जेसीबी चलाओ। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि जिस देश को हमें एक एक करके एक कदम आगे ले जाना था उसे एक पूरे फ्रेमवर्क के साथ जादू टूट के अंधविश्वास, हिंदू राष्ट्र, कर्मकांड और पाखंड का देश बना दिया जा रहा है। ये किसी एक समाज का नुकसान नहीं है, ये पूरी की पूरी पीढ़ी को खत्म किया जा रहा है। एक सभ्य देश में, एक प्रगतिशील समाज बनाने की चाह रखने वाले देश में धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों का विरोध होता है जो धर्म के लिए भावुक समाज की भावनाओं को साथ खिलते हैं। लेकिन ऐसा दौर हमारे देश में है कि धीरेंद्र शास्त्री को कल को कोई पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित ना कर दे और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इसे भी ठुकरा दे, क्योंकि मुख्यमंत्री तक उनके पैरों में सर झुकाने के लिए आते हैं। लेकिन एक विचार आप करिए कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हम खुद कैसे देश का सपना देखना चाहते हैं। बहरहाल ये कहानी थी यहीं तक। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और देश के लोगों को यानी कि भोले वाले नागरिकों को जागरूक करिए। फिर कोई नई वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।